दर्शकों 2019 की बात करें तो चुनावी की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हमारे बीच में सतीश शर्मा जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे 2019 के लिए, जनता किसकी और रुख कर रही है? देखिए, 2014 के चुनाव में जी जो मोदी जी ने 125 करोड़ जनता से भाइयों बहनों कहकर के जो वायदे किए थे, चाहे वो 15 लाख रुपये देने का हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार नौजवानों के लिए पर ईयर हर साल जी देने के लिए कहा हो, महंगाई को कम करने के लिए कहा हो, डीजल पेट्रोल की उसको दामों को कम करने के लिए कहा हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी हो, जितने वायदे किए उनमें से आज एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। सारे वायदे खोखले, केवल झूठ पर आधारित। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब ये सत्ता के भूखे हैं, लेकिन राहुल जी इस देश में प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, बल्कि राहुल जी की चिंता है इस देश के किसानों की कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े। उनकी केवल कर्जा माफ़ करना है, कोई मैं नहीं समझता और ना ही कांग्रेस समझती है कि कोई उनके समाधान है। वो ऐसा चाहते हैं राहुल जी कि कम से कम इस किसानों की जो दुर्गति हो रही है, उनको फसल की कीमत नहीं मिल रही है, सबसे पिछड़ा है इस देश के अंदर किसान। तो राहुल जी को चिंता है इस देश के किसानों की, राहुल जी को चिंता है बेरोजगारों की, जो नौजवान बेरोजगार, अभी आपने देखा होगा कल दुबई का भाषण, उन्होंने माथे पे पसीना आ गया मोदी सरकार के, इतना बढ़िया रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए चिंता है। तो वो प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं सत्ता के लिए, उनकी चिंता है कि मैं किस तरीके से इस देश के किसानों का, नौजवानों का उत्थान करूं। सतीश जी, आज देखने में आ रहा है नौजवान हाथ में बायोडाटा लेकर दर दर घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। देखिए, अब इन्होंने जो है आरक्षण किया है 10%, उत्तर प्रदेश के अंदर इस केंद्र सरकार के अंदर इतनी वैकेंसियां खाली हैं सरकारी डिपार्टमेंटों में। अगर मोदी जी को चिंता होती नौकरियों को देने की, सवर्णों को नौकरी देने की या गरीबों को नौकरी देने के, बल्कि उन्होंने नोटबंदी करके, जीएसटी लगा करके, नोटबंदी में कितना आदमी बेरोजगार हुआ है ये आप जा कर के देखिए। गरीब कमजोर जो व्यापारी था वो उसका सत्यानाश हो गया। विदेशों से काला धन कितना आया? काला धन एक पैसा नहीं आया, बल्कि 99% 7 या 3 इतना करेंसी आ गई बैंक के अंदर, रिजर्व बैंक के अंदर आ गई, तो काला धन कहाँ गया? आज नोट छपाई में और काले धन के नोटबंदी के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ है गवर्नमेंट का, ये मोदी जी से पूछिए। अब मोदी मिला करके 2019 के अंदर जनता वापसी कांग्रेस की ओर, जनता केवल और केवल राहुल जी को और कांग्रेस को देखना चाहती है। वो चाहती है कि कैसे ही इस मोदी जैसे झूठों से, सत्ता के भूखों से, जो केवल धर्म के नाम पर, केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर, इन्होंने चाहे मंदिर की बात करी हो, ना वो पूरा किया, धारा 370 की बात करी हो, बल्कि उनसे जाके पीडीपी से और मिल गए और 370 तो नहीं खत्म वो हुई, 300 कौन सी वो लागू कर दिया, वो लागू कर दी। वही बात करें उत्तर प्रदेश के सरकार की, योगी सरकार से जनता खुश है क्या? योगी सरकार से जाकर के आप देखिए, सबसे ज्यादा इस योगी सरकार में भी किसान परेशान, जो गौ माता गौ रक्षक की बात कर रहे हैं आज। क्राइम का क्या हाल है? क्राइम तो ये लगा लीजिए लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। जब पुलिस इंस्पेक्टर मारे जा रहे हैं, दरोगाओं पे हमला हो रहा है, सीओ पिट रहा है, सरकारी अधिकारी पिट रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो इससे ज़्यादा। आप गाजियाबाद में कवि नगर के अंदर रहते हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का क्या चाक चौबंद है या नहीं? रोज आप देखते होंगे के रोज अखबारों में खबर आती है, आज उसकी गले की चैन छिन गई, आज वहाँ मर्डर हो गया। तो यहाँ क्राइम तो एक दिन के लिए कोई घर खाली छोड़ के चले जाओ, दूसरे दिन घर का साफ मिलता है।
सतीश जी वही बात करें, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती और अखिलेश सरकार ने आपस में गठबंधन जो किया है, देखिए कांग्रेस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कांग्रेस अगर गठबंधन के लिए तैयार थी इनके साथ, इसलिए साथ थी कि ऐसी सरकार को यहाँ से हटाना जिसने देश को तबाह कर दिया हो, आर्थिक स्थिति इस देश की बिगाड़ कर रख दी हो। आज आर्थिक स्थिति में अगर देखिए आप तो देश कम से कम 15-20 साल पीछे चला गया है। विकास की बात करने वालों ने इस देश को 15-20 साल पीछे खदेड़ दिया है जी। तो ये किस उस पे वो करेंगे बात? तो मतलब गठबंधन का कोई असर नहीं, तो गठबंधन के ऊपर केवल कांग्रेस चाहती थी, राहुल चाहती थी कि ऐसे सत्ता से मुक्ति मिले इस देश को, और कम से कम किसानों, नौजवानों का, महिलाओं का, इनका भला हो, गरीबों का भला हो, इसलिए चाहती थी। लेकिन कहीं कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, अगर वो गठबंधन कर रहे हैं तो कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और यूपी में भी जीत करके आएगी। यूपी में बब्बर साहब, राज बब्बर साहब की बात करें, सही कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक सवाल है कि अकेले राज बब्बर कुछ नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज पार्टी के साथ है, पार्टी के लिए काम कर रहा है। राज बब्बर जितना मेहनत हो रही है उतना वो मेहनत कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस का कार्यकर्ता में इन तीन चुनाव के जीतने से जो हिंदी भाषी क्षेत्र आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उनमें जीतने के बाद और चार गुना उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ता का बढ़ा है। और फरवरी माह में राहुल जी सबसे पहली मीटिंग हापुड़ में ही ले रहे हैं और लगभग 9 मीटिंग है वो इस उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश की जनता राहुल जी के आते के साथ ही, मीटिंग करने के साथ ही, कांग्रेस ही कांग्रेस का माहौल आपको दिखाई देगा। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी को जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस में ऊर्जा आ गई है? देखिए नेचुरली जिस तरीके से झूठ की कढ़ाई एक बार चढ़ती है, काट की कढ़ाई वही झूठ के एक बार चलता है, बार बार नहीं। चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मोदी जी हों, देश की जनता को भ्रमित करके, झूठ बोल करके एक बार आ गए। लेकिन जो शीला जी ने दिल्ली के अंदर विकास किया, डेवलपमेंट किया, दिल्ली का एक एक बच्चा बच्चा आज उसको जानता है, तो निश्चित रूप से उनकी ही आम आदमी की राय लेकर के शक्ति ऐप के माध्यम से राहुल जी ने आम जनता से पूछा है, कार्यकर्ताओं से पूछा है, उनके 50,000 ऐप के माध्यम से शीला जी का नाम आया तो उन्होंने शीला जी को बना दिया। सतीश जी अच्छे दिन के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अच्छे दिन के लिए जी। अच्छे दिन के लिए तो अपील मोदी जी ने बहुत की थी कि अच्छे दिन बड़ी ताली पीट पीट करके कहते थे अच्छे दिन। आज देश की जनता कह रही है हमें तो वो बुरे दिन ला दो मोदी जी, अच्छे दिन तो आपके कभी आएंगे नहीं, इससे तो अच्छे हम पहले थे जी। पहले अच्छे दिन थे। ये थे हमारे बीच में सतीश शर्मा जी, जिन्होंने सीधे मोदी सरकार की और अरविंद केजरीवाल के जो विकास कार्यों के जो खोखले वादे थे उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 2019 के अंदर जनता वापस कांग्रेस की ओर रुख करने वाली है, ऐसा सतीश शर्मा जी का कहना है और दिख भी रहा है माहौल सर्वे के अनुसार। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।